हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी किड्स लर्निंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 50 किचन में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस के नाम हिंदी और इंग्लिश में। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस का नाम है हिंदी में ओवन। ओवन को इंग्लिश में भी ओवन कहते हैं, जो बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केक बिस्किट बनाने के लिए। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में माइक्रोवेव, जो खाना बनाने के लिए, केक बनाने के लिए वेव्स की मदद का इस्तेमाल किया जाता है। किचन के इस अप्लायंस का नाम हिंदी में है चावल बनाने का कुकर। इंग्लिश में चावल बनाने के कुकर को कहते हैं राइस कुकर, जो केवल चावल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं टोस्ट सेकने वाला या ब्रेड सेकने वाला। इंग्लिश में इसे कहते हैं टोस्टर। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं शीतक यंत्र। शीतक यंत्र को इंग्लिश में कहते हैं रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं बर्तन धोने की मशीन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिश वॉशर, जो बर्तन धोने का काम करती है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं चाय की केतली, जो चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चाय की केतली को इंग्लिश में टी केटल कहते हैं। पानी गर्म करने की केतली को हिंदी में कहते हैं पानी की केतली। पानी की केतली को इंग्लिश में कहते हैं वाटर केटल। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं प्रेशर कुकर, जो प्रेशर की मदद से खाने को पकाने का काम करता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं गैस चूल्हा। गैस चूल्हा को इंग्लिश में कहते हैं गैस स्टव। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं जूसर, जो फलों के जूस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं हिंदी में ब्लेंडर, और ब्लेंडर को इंग्लिश में भी ब्लेंडर कहते हैं, जो मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस किचन अप्लायंस को कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्सर, जो चीजों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस मशीन का नाम है लहसुन काटने वाला। इंग्लिश में उसे कहते हैं गार्लिक प्रेस, जो लहसुन को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं कॉफी बनाने वाली मशीन। इंग्लिश में कहते हैं कॉफी मेकर। इस मशीन को कहते हैं कॉफी को पीसने वाली मशीन, क्योंकि कॉफी के जो दाने होते हैं उसको ग्राइंड करके कॉफी बनाई जाती है। इंग्लिश में कहते हैं कॉफी ग्राइंडर। इस किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले अप्लायंस को कहते हैं सिंक, जो बर्तन सब्जी धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाली इस चीज को कहते हैं एप्रन, जो कपड़े का बना होता है, जिसे पहनकर खाना पकाया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाली इस चीज को कहते हैं भूनने के लिए जाली। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रिलर। ये एक ऐसी जाली होती है जिसके ऊपर खाने को रखकर भूना जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाली इस चीज को कहते हैं ट्रे, जिसमें कोई भी सामान को रखकर सर्व किया जाता है, या ओवन या माइक्रोवेव में भी रखकर खाने को पकाया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं बेलन। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन, जो बेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को हिंदी में कहते हैं कढ़ाही। कढ़ाही को इंग्लिश में कहते हैं फ्राइंग पैन, जिसमें सब्जी बनाई जाती है या कोई चीज को फ्राई किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को हिंदी में कहते हैं भाप तापी पात्र, जो भाप से खाना पकाया जाता है इसके अंदर। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीमर। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को कहते हैं पलटा, जो कोई भी खाने की चीज को पलटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पलटा को इंग्लिश में स्पैचुला कहते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड का मतलब होता है कोई भी सब्जी या फल को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पटिया। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं बर्तन धोने का साबुन या लिक्विड वॉशर। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को कहते हैं हिंदी में किसनी। किसनी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर, जो कोई भी चीज को
ग्रेट करने या किसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को कहते हैं छलनी। छलनी को इंग्लिश में कहते हैं सीव, जो छानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को कहते हैं चिमटा। चिमटा को इंग्लिश में कहते हैं टोंग। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को कहते हैं विस्क। इंग्लिश में भी इसको विस्क कहते हैं, जो बैटर बनाने को घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं छिलनी। छिलनी को इंग्लिश में पीलर कहते हैं, जो फल या सब्जी के छिलके छीलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं चाकू। चाकू का इस्तेमाल कट करने के लिए करते हैं। चाकू को इंग्लिश में नाइफ कहते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं जार, जिसके अंदर कोई भी चीजों को रखा जा सकता है लंबे समय के लिए। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस अप्लायंस को कहते हैं या बर्तन को कहते हैं जग, जिसके अंदर पानी शरबत को भरा जा सकता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस चीज को कहते हैं चीनी कांटा। इसे इंग्लिश में कहते हैं चॉपस्टिक, जो नूडल्स मैगी को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को कहते हैं सूप का चमचा। सूप का चमचा को इंग्लिश में सूप लैडल कहते हैं, जो सूप को सर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में इस्तेमाल होने वाले इस बर्तन को कहते हैं चम्मच। चम्मच को इंग्लिश में स्पून कहते हैं। ये है कांटा। कांटा को इंग्लिश में फॉर्क कहते हैं। इसका इस्तेमाल चाउमीन, मैगी, नूडल्स को खाने के लिए किया जाता है। किचन के बर्तन का नाम है हिंदी में प्लेट। प्लेट को इंग्लिश में भी प्लेट कहते हैं, जो कोई भी खाने को परोसने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस बर्तन को कहते हैं हिंदी में कप। कप को इंग्लिश में भी कप कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं तश्तरी या सॉसर, जो कप के नीचे एक छोटी सी प्लेट होती है, जो चाय पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे हिंदी में कहते हैं कटोरा। किचन में इस्तेमाल होने वाला कटोरा को इंग्लिश में बाउल कहते हैं। इस किचन के बर्तन को हिंदी में कहते हैं ग्लास, और इंग्लिश में ग्लास को कहते हैं ग्लास, जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस किचन के बर्तन को हिंदी में कहते हैं मग। मग को इंग्लिश में मग कहते हैं, जो कप से थोड़ा बड़ा साइज का होता है। किचन के इस अप्लायंस का नाम है कूड़ेदान। इंग्लिश में कहते हैं डस्टबिन, जो किचन से निकले हुए कचड़े को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है सैंडविच बनाने वाला मशीन। इंग्लिश में कहते हैं सैंडविच मेकर, जो ब्रेड को रखकर सैंडविच बनाती है। इस किचन के अप्लायंस को कहते हैं हैंड मिक्सर, जो हाथ की मदद से मिक्स करने में यूज किया जाता है। इस किचन के बर्तन को हिंदी में कहते हैं तलने के लिए कढ़ाई। तलने की कढ़ाई को इंग्लिश में डीप फ्रायर कहते हैं। इसे कहते हैं सब्जी की टोकरी। इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल बास्केट, एक ऐसी टोकरी जो सब्जियां रखने के काम आती है। इस किचन के बर्तन को कहते हैं परसने के लिए कटोरा। इंग्लिश में कहते हैं सर्विंग बोल। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ABC Kids Learning चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।